कर कर स्टार्ट कर। स्टिल आई डोंट थिंक व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ यार। आईपीएल तो अब सिर्फ रूमर्स का खेल हो गया और उन रूमर्स पे मुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी चल रहा है ना रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस के बीच, मतलब बाहर से कुछ कैरेक्टर्स आ रहे हैं और मतलब अंदर मतलब माहौल ही अजीब है यार, एकदम अफवाहें ऐसी ऐसी। और अभी मैं जिस अफवाह के बारे में बात कर रहा हूँ, इसने तो हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने के बाद इस मसले पे जो जो आग डाली है ना, जो घी का काम किया है, घी और मतलब मसालेदार कर दिया है। तो पूरी तरीके से सुनने में आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस से ट्रेड करने की कोशिश की है रोहित शर्मा के लिए। मतलब रोहित शर्मा को आखिर इतना इनवैल्यूएबल समझ लिया है क्या सबने कि वो मुंबई इंडियंस के लिए मायने ही नहीं रखता? देखो मुझे नहीं पता चल रहा कि फ्रेंचाइजीज क्या सोचती हैं प्लेयरों के बारे में, मतलब क्या चल रहा है, वो क्या सोचती हैं कि मतलब उनके हिसाब से शायद प्लेयरों की कीमत 2 करोड़ ही नहीं है, पैसा फेंक और तमाशा देख चल रहा है। मतलब डीसी अगर ये सोच, डीसी ने ट्राई किया है कि मुंबई इंडियंस से निकल के रोहित शर्मा आ जाए, उन्होंने मुंबई इंडियंस से बात की लेकिन मुंबई इंडियंस ने यहाँ पे मना कर दिया। और अगर ये ट्रेड भी हो जाती, रोहित शर्मा को निकाल दिया जाता, तो जो लाखों में फॉलोअर्स कम हो रहे हैं ना भाई, वो करोड़ों में होने लगते, मतलब बहुत ज्यादा होने लगते, बहुत ज्यादा फॉलोअर्स, मिलियंस में फॉलोअर्स कम होते हैं इनके। और या ये डीसी को आखिर क्या जरूरत है मतलब ऐसा घटिया कदम उठाने में? देखो यार, डीसी अगर ये भी सोच रहा है कि वो रोहित शर्मा को ला के उसको अपनी जगह सही स्थान देगा वगैरह वगैरह, मतलब होता है ना, और उनको उतना रिस्पेक्ट देगा जितना वो डिजर्व करते हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तुम आखिर तुम फिर मतलब ऋषभ पंत के साथ क्या करोगे अगर तुम उसे लाते हो? मतलब अगर तुम रोहित शर्मा को लाके कैप्टन नहीं बनाते हो, तो ऋषभ पंत के सामने बिना कैप्टन के तौर पर उनका खेलना मतलब वो डिसरेस्पेक्टफुल है। और अगर उन्हें लाके कैप्टन बना देते हो, तो ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जो पिछले साल नहीं खेला, तो उसके नाम की जर्सी तुमने अपने डगआउट में टांग रखी थी और आज तुम उसे निकालने की बात करो, मतलब भाई क्या चल रहा है आखिर? मतलब कितना ज्यादा डिसरेस्पेक्टफुल ट्रेड होता है ये अगर डीसी आ जाती। ऋषभ पंत इतने बुरे वक्त से गुजर रहे थे, पैर में चोट लगी उस लड़के के पैर में चोट लगने की वजह से कितनों के करियर बन गए। मैं अभी नाम नहीं लूंगा लेकिन कितनों के करियर बन गए, अगर वो रहता तो कितने खिलाड़ी बाहर रहते, कितने विकेट कीपरों की जरूरत नहीं पड़ती हमें। केएल राहुल तो कहाँ ही खेल पाता भाई, ईशान किशन के भी चांसेस कम होते, उसको इतना उभरने का मौका नहीं मिलता। गेल एज अ ओपनर है और ये बाकी 2 खिलाड़ी विकेट कीपर बैट्समैन है, उसकी जगह बहुत परफेक्ट तरीके से ऋषभ पंत ने ले रखी थी, बाकी लोगों को चमकने का वक्त नहीं मिलता। वो अच्छा काबिल खिलाड़ी है यार, किस्मत का धोखा था भाई जो एक्सीडेंट हो गया, और आज जब उसके आने की बारी है, उसके खेलने का टाइम है, उसको अपने आप को साबित करने का टाइम है, तब उसकी टीम जो इतना हाइप बना के रखती है ऋषभ पंत के नाम का, वो रोहित शर्मा को खरीद खिला रही है। नीचे खिलाएंगे अगर ऋषभ पंत के अगर लाने का सोच रहे थे और नीचे खिलाते तो वो डिसरेस्पेक्टफुल होता, और अगर उसे ऊपर खिलाते मतलब कैप्टन बना देते तो ऋषभ पंत को इनको निकालना पड़ता, क्योंकि सब लोग तो ऊपर के खिलाड़ी हैं भाई, इन्होंने तो टॉप ऑर्डर में रखा अपने पूरे खेमे में, सारे ऊपर खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अगर आई डोंट नो किस तरीके का गेम सेट ये लोग प्लान कर रहे हैं, लेकिन खैर बहुत अच्छी बात है कि मुंबई इंडियंस ने साफ तौर पर मना कर दिया, नहीं तो बेइज्जती हो जाती हद से ज्यादा। यार ऐसा लगता है ना कि इस पूरे क्राइटेरिया से ना मैं जुड़ता सा जा रहा हूँ, इमोशनली अटैचमेंट सा अजीब सा फील होता है कि कितना घटिया चल रहा है। प्लेयरों को ना लॉयल होने की जरूरत नहीं है यार अब, क्योंकि फ्रेंचाइजीज लॉयल नहीं है यार, खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं सबको, कीड़े मकोड़ों की तरह करो फेंकना बेचना, बहुत बहुत बुरा हो रहा है। जो मैं देख रहा हूँ वो हद से ज्यादा बुरा हो रहा है, और मुझे लग रहा है थोड़ी सी खबर है कि मतलब कि चेन्नई सुपर किंग में कोई ब्लू जर्सी का प्लेयर आने वाला है, और मुझे लग रहा है कि शायद कल तक रोहित शर्मा का ट्रेड हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स में, आई थिंक सो, बाकी देखते हैं क्या होता है।